नमस्कार, मैग्नेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होना भी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाले हैं। खास करके बोर्ड एग्ज़ाम जो हैं वो मार्च में होने वाले हैं, तो उनको हमारी हार्दिक शुभकामनाएँ विषय हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे रहें। और कुछ बच्चों की डिमांड्स थी और बहुत ज़्यादा डिमांड्स थी कि एक नया चैप्टर है जिसका नाम है ब्रेथ सर्कल, उस पर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए, कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाए। तो उसी को क्लियर करने के लिए, उसी कॉन्सेप्ट को और उसी बेस को कंप्लीट करने के लिए इस चैप्टर को लाया गया है। इस चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा, तो हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं और उसी को देखेंगे। उसी चैप्टर से रिलेटेड ही सारे पॉइंट हैं। पहला है ब्रेथ सर्कल, सर्कल क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे। दूसरा है ब्रेथ का क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, और वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस क्या होता है, और वृत्त खंड या वृत्त खंड का क्षेत्रफल, और अगला है वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त का चाप क्या होता है, उसकी लंबाई क्या होती है, उसको देखेंगे। और एक है त्रिज्यखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है वृत्त। तो वृत्त को कैसे डिफाइन करेंगे, वृत्त को हम कैसे परिभाषित करेंगे और बताएंगे कि ये जो है वृत्त है। तो सबसे पहले अगर हम एक पॉइंट लें, अगर एक पॉइंट लें और उससे एक सेम डिस्टेंस पे मान लेते हैं ये कोई दूरी है, जितनी दूरी यहाँ से लेकर ए बिंदु है मान लेते हैं इसको, वो से ए तक की एक दूरी लेंगे, सेम दूरी ओ से ओ ए के बराबर ही हम दूरी लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बी, एक बिंदु यहाँ पर लेते हैं, एक यहाँ पर लिया, और यहाँ पर हमने सी ले लिया जिसको हमने यहाँ से यहाँ मिला दिया, और एक बिंदु और लिया जिसको हमने मान लो कह दिया डी, इसको यहाँ पे मिला दिया, एक बिंदु यहाँ पर लिया जिसको हमने ई कह दिया। कहने का मतलब ये है एक कॉमन बिंदु, कॉमन पॉइंट लेंगे, सेंटर जिसको कहेंगे, और उससे समान दूरी पर कुछ बिंदु और बिंदु लेंगे, और उन बिंदुओं को अगर आपस में मिला दें, आपस में मिला दें, तो जो कंस्ट्रक्शन आता है, जो फिगर आता है, वही फिगर कहलाता है सर्कल। सर्कल हमेशा जो सेंटर होगा उससे समान दूरी पर सारे बिंदु होंगे, ठीक है। तो जो ये समान दूरी है सेंटर से लेकर समान दूरी, इसी को हम आर कह देते हैं। एक अब अलग से एक सर्कल बना ले रहे हैं, ये सर्कल है मान लेते हैं, सर्कल का वो बिंदु, इसको अगर हम इसके मिडल से एक लाइन खींच दें ए और बी पे, तो ये हो जाता है, ए बी हमारा हो जाता है व्यास, जिसको इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। और अगर ए बी का आधा कर दें, मतलब ए वो बराबर ओ बी कर दें, तो ये हमारा हो जाता है आर। इसका मतलब ये है कि डी बराबर टू आर, डी बराबर टू आर हो जाएगा, मतलब डायमीटर बराबर टू रेडियस, रेडियस जो है वो दो गुना होगा डायमीटर का, सॉरी रेडियस जो है वो आधा होगा डायमीटर का, और डायमीटर दो गुना होगा रेडियस का। त्रिज्या जो है वो आधी होती है हमेशा डायमीटर की, मतलब व्यास की, और व्यास हमेशा दो गुना होता है रेडियस का, रेडियस का मतलब त्रिज्या की, ठीक है। तो ये वृत्त है। अब ये वृत्त का पूरा एक्सप्लेनेशन है। वृत्त अगर हम एक बिंदु लें, सेंटर लें, और वहाँ से कुछ बिंदु लें समान दूरी पर, और उन बिंदुओं को आपस में मिला दें, तो जो फिगर आता है वही कहलाता है हमारा वृत्त, परिधि, सॉरी परिधि का मतलब सर्कल, परिधि नहीं सर्कल कहलाएगा। तो ये हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन जिसका है, जिसको हम कहते हैं वृत्त, वृत्त की ये परिभाषा है। उसके साथ में अगला पॉइंट जो हमारा है वो है वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसको हम रफ कर लेते हैं पहले। जैसे ये हम फिगर में देख पा रहे होंगे, ये हमारा जो है ये एक सर्कल है, वृत्त है। तो किसी भी चीज़ का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, उसका मतलब जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये वाइट बोर्ड जो है ये भी प्लेन है, प्लेन पे है। इसको अगर इस पे रख दें, तो जितना ये एरिया पूरा, ये जितना एरिया पूरा कवर करेगा वही कहलाएगा इस फिगर का क्षेत्रफल, एरिया है ना, जितना ये पूरा भाग इसका कवर करेगा वही क्षेत्रफल कहलाएगा। ये
पूरा भाग जो भी कवर करेगा वो क्षेत्रफल कहलाएगा। मतलब हमें ये इसका निकालना है, ये हमारा एक सर्कल है और इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है। अगर इसी वृत्त को हम चार भागों में बांट दें, चार भागों में या आधे बांट दें, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, तो आधे का कितना हो जाएगा, आधा कर देंगे, मतलब पाई आर स्क्वायर बाई टू। और अगर इसको चार बराबर भागों में बांट दें, चार बराबर भागों में बांट दें, तो ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट चतुर्थांश। ये चतुर्थांश का मतलब है वन फोर्थ, तो इसका हो जाएगा वन बाई फोर इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इस आधे का जो होगा वो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई टू, इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई टू, इसका आधे का। और अगर क्वाड्रेंट चतुर्थांश की बात करेंगे तो वह एक वन बाई फोर से गुणा कर देंगे, हाफ हाफ का निकालना होगा तो वन बाई टू से गुणा कर देंगे, और पूरे का निकालना होगा तो पाई आर स्क्वायर वन से गुणा करेंगे, पाई आर स्क्वायर को उतना ही रहेगा। तो ये है हमारा क्षेत्रफल। अब हमारा जो अगला है वो आ रहा है कि वृत्त का, वृत्त की परिधि, परिधि को कैसे हम निकालेंगे। तो आइए देखते हैं परिधि को कैसे निकालेंगे। इधर ही रखा है परिधि, इसको रफ करते हैं। ऊपर कभी मिट गया सर्कल, वृत्त, परिधि। परिधि का मतलब होता है, परिधि का मतलब होता है कि कोई ऐसा बंद फिगर जिसके चारों तरफ की माप, परिमाप, इसको परिमाप भी बोलते हैं, लेकिन ये हम वृत्त के लिए परिधि यूज़ करते हैं, सर्कमफेरेंस वर्ड यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं, मान लेते हैं ये एक हमारा वृत्त है, ये इसकी परिधि निकालनी। सपोज़ परिधि हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें और यहीं पर अगर हमें आना है, तो यहाँ से लेकर ये पूरी जो डिस्टेंस हम तय करते हैं, पूरी डिस्टेंस जो हम चलते हैं, यही इस वृत्त की परिधि हो जाती है। तो ये सेंटर होता है, यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु ये है, तो ये आर होता है। तो वृत्त की परिधि जो होती है वो टू पाई आर होती है, वृत्त की परिधि टू पाई आर होती है ना। तो अभी हमने देखा वृत्त का क्षेत्रफल जैसे था पाई आर स्क्वायर, उसका आधा हाफ पाई आर स्क्वायर, और फिर क्वाड्रेंट का निकाला, चतुर्थांश का निकाला, तो वन बाई फोर से गुणा कर दिया पाई आर स्क्वायर को। तो अब बताइए, ये बात बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है, बहुत सारे एग्ज़ाम में भी आता है, कभी कभी पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि वृत्त की परिधि बताइए, वृत्त की परिधि तो हो गई, अर्धवृत्त की परिधि बताइए। तो अब अर्धवृत्त की परिधि निकालने का मतलब ये है कि पहले वृत्त को हम आधा करें, आधा करने का मतलब है यहाँ ऐसे, है ना। अगर ये सेंटर है तो ये आधा हो गया, आधा ऊपर हो गया, आधा नीचे आ गया, ये हो गया हमारा अर्धवृत्त। अब हमने अभी पहले कहा कि जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चलना, वहीं पर आके दोबारा अगर रुकें तो वो हो जाता है परिधि या परिमाप, है ना। तो मान लेते हैं अर्धवृत्त में हम यहाँ से स्टार्ट, अच्छा टोटल का होता है टू पाई आर। तो बहुत सारे लोगों का मतलब होगा कि अगर दो से हम भाग कर देंगे तो पाई आर हो जाएगा, लेकिन गलत है ये बात। अभी हम देखते हैं कैसे, बहुत सारे लोगों का यही हुआ है कि अगर आधा अर्ध का निकालना है तो आधे से भाग कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं होने वाला है। कैसे, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, ये टोटल का टू पाई आर है, तो यहाँ से यहाँ तक का तो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा पाई आर, क्योंकि आधे की बात है, पाई आर यहाँ भी होता तो टू पाई आर टोटल हो जाता, लेकिन ये पाई आर है, ये भी पाई आर है। अच्छा, यहाँ से हम मान लो चले, यहाँ से ये भी मान लें, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा पाई आर आया, ऊपर तो जाना नहीं है क्योंकि अर्ध परिमाप का, तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो बताओ ये आर है, ठीक, और यहाँ से यहाँ भी जाएंगे तो आर हो जाएगा।
अब बताओ डी बराबर होता है 2R, इसका मतलब ये R और ये R मिलके कितना हो गया 2R। तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, अर्धवृत्त की परिधि जो हो जाएगी इसकी परिधि हो जाएगी पाई आर प्लस 2R, कैपिटल R ही लिख लो, यहाँ भी R लिख लो, यहाँ भी R लिख लो, यहाँ भी R लिख लो। अगर इसमें से R कॉमन हो जाए तो पाई प्लस 2, दिस इज ए सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल या अर्धवृत्त का परिमाप होगा, सर्कमफ्रेंस होगा, परिधि होगी। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिए, तीन पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि। अब अगला हमारा जो है वो है वृत्तखंड। वृत्तखंड किसे कहते हैं उसको देखेंगे और उसके बाद वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब हमने वृत्त तो सीख लिया, आसानी से बना ले रहे हैं, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें सीखेंगे, ये हमारा सेंटर है, वो अगर इस पर हम कोई दो बिंदु लें, ए और बी मान लेते हैं, कोई दो बिंदु मिले सर्कल पे, कोई दो बिंदु लें और इनको आपस में मिला दें, तो ये जो ए बी है ये हमारा हो जाता है कॉर्ड, जिसको हिंदी में जीवा बोलते हैं, ये जीवा हो जाती है, इंग्लिश में कॉर्ड, इंग्लिश में इसको कॉर्ड बोलते हैं, हिंदी में जीवा बोलते हैं। तो सर्कल वृत्त, वृत्त पर अगर हम दो बिंदु लें ए और बी, कोई भी बिंदु ले लें, कहीं से भी ले लें, इट्स नॉट ए मैटर, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मिनिमम टू पॉइंट्स फॉर कॉर्ड और जीवा, जीवा या कॉर्ड के लिए दो पॉइंट्स होने जरूरी हैं। ठीक है, तो हमने ए और बी दो पॉइंट लिया, इनको आपस में मिलाया, तो ये जो लाइन बनी यही लाइन हमारी कहलाती है जीवा या कॉर्ड। ठीक है, अच्छा अब देखो ये हमारा सर्कल था, वृत्त था, अब ये दो भागों में डिवाइड हो गए, एक ही छोटा भाग और ये पूरा, ये बड़ा वाला भाग, ये बड़ा वाला भाग पूरा, पूरा बड़ा भाग हो गया ये, है ना। तो ये जो बड़ा भाग है इसका, इसको हम बोलते हैं मेजर या दीर्घ, मेजर या दीर्घ, मेजर सेगमेंट बोलते हैं इसको, या दीर्घ वृत्त, दीर्घ त्रिज्यखंड बोल देते हैं, और ये लघु त्रिज्यखंड, ये वाला लघु, सॉरी वृत्तखंड की बात करें, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और ये वाला दीर्घ, ये दीर्घ वृत्तखंड, इसको माइनर बोलते हैं इंग्लिश में, इसको मेजर बोलते हैं, और दिस इज ए मेजर सेगमेंट एंड दिस इज ए माइनर सेगमेंट, ये दो सेगमेंट आते हैं। अगर जीवा, अगर कोई जीवा है तो वो सर्कल को कम से कम दो भागों में डिवाइड करेगी। ठीक है, दो भागों में डिवाइड करेगी तो एक बड़ा होगा एक छोटा, हो सकता है बराबर भी हो जाए। बराबर के लिए क्या है कि अगर हम कोई ऐसा सर्कल खींचें और जिसका कॉर्ड, जिसकी जीवा मिडिल से हो, मतलब डायमीटर ही हो, ब्यास ही, ब्यास भी एक तरह का क्या है, ये जीवा ही है, सबसे बड़ी जीवा है या कॉर्ड जो होता है वो ब्यास ही होता है, डायमीटर ही होता है ना, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो सबसे बड़ा जो डायमीटर से जीवा या कॉर्ड होता है वो डायमीटर, अच्छा तो ये दो भागों में बराबर करेगा, बांटेगा, तो इसको इक्वल सेगमेंट कह देंगे। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने ये देख लिया कि जो वृत्तखंड होता है वो एक जीवा के द्वारा डिवाइड किया जाता है, तो दो खंड आएंगे, एक लघु आएगा या वृत्त और दीर्घ आएगा, नहीं तो इक्वल भी आ सकता है अगर डायमीटर के द्वारा वो डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब ये अब उसी में लिखा हुआ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अच्छा अगर वृत्त है, अगर वृत्त है तो साथ में हमारा हमारे पास एक क्या कहते हैं डायमीटर भी होगा, डायमीटर होगा तो त्रिज्या भी होगी। तो आइए देखते हैं ये, ठीक अभी ए बी, यहाँ पर ये बिंदु ओ था, इसको अगर इससे मिला दें और इससे मिला दें तो ये आर हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, रेडियस मैंने पढ़ लिया है पहले, रेडियस किसे कहते हैं या सर्कल किसे कहते हैं, सर्कल कैसे बनता है, तो ये हो गया। अच्छा ये वाला हमने कहा था कि लघु लघु वृत्तखंड है ना, और ये बाकी वाला दीर्घ वृत्तखंड। तो अभी इसका एरिया अगर निकालना है तो इसको थीटा कर देते हैं,
ठीक है, इसको थीटा कर देते हैं। तो हमें इसका इसका फॉर्मूला आना चाहिए इसका निकालने के लिए। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है कि वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्त का क्षेत्रफल के लिए आप फॉर्मूला लिख लीजिए, होता है लघु वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का वृत्तखंड का मतलब इतने का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर थीटा बाई 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा, साइन थीटा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बाहर रहेगा ब्रैकेट से, उसके बाद थीटा बाई 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा, ये हमारा होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। और इसके साथ में हमें अगर मान लो दीर्घ वृत्तखंड का आ जाए, तो वृत्तखंड का वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई आर स्क्वायर होता है, अगर हम लघु दीर्घ की बात करें, वृत्तखंड का वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो टोटल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में से अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दें तो हमारा क्या कहते हैं, दीर्घ का आ जाए। लघु का ये हमने अगर फार्मूले में लिया है तो आर स्क्वायर ब्रेकेट बंद थीटा बाई 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसको एक बार देखिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, और क्या नहीं समझ में आता है ये ज़रूर लिख के बताइएगा कमेंट में कि क्या नहीं समझ में आया। मुझे लगता है कि मैं अपना सबसे अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है ना समझ में आए, सबको समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो जिसको भी नहीं समझ में आता है कमेंट करके बताइएगा, एक बार मैं प्रयास करूँगा दोबारा से। और अगर आपको समझ भी आता है, वीडियो हमारी पसंद आती है, तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे भी हमारी नई वीडियोस आती हैं तो वो आप तक पहुंच सकें, और शेयर ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से मेरा एक मोटिवेशन स्ट्रांग होता है, उससे मुझे लगता है कि हाँ मेरी वीडियो पसंद की जा रही हैं, मेरा मेथड पसंद किया जा रहा है, तो फिर मुझे और अच्छा लगता है, वीडियो बनाने में मन लगता है और मैं उस पर काम करता हूँ। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया वृत्तखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी हमारे पास दो पॉइंट बचे हुए हैं, जिसका नाम है वृत्त के चाप की लंबाई और दूसरा त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आइए उसको देखते हैं फटाफट। वृत्त के चाप की लंबाई, तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि चाप क्या होता है। ये सर्कल है, सर्कल सब अगर पढ़ लिया तो सर्कल ये है। अगर इसको हम दो जगह से काट दें, नहीं कुछ कर देते हैं, मान लो ये हमारा सेंटर है, यहाँ से ये, इसको ए कह दें, इसको बी कह दें। तो ए और बी से अगर हमने काट दिया तो ए बी जो है, और यहाँ पर एक वाई कह दें, तो ए बी वाई जो है, ए वाई बी यही क्या है, चाप से, या चाप की लंबाई कह लें, चाप की लंबाई। ये सर्कल का चाप है, वृत्त के चाप की लंबाई। वृत्त के चाप का मतलब ये है कि अगर उसको हम दो जगह से काट दें, है ना, इसको अगर मान लो काट दें तो ये जो हो जाएगा, ये भी चाप हो जाएगा, ये भी चाप ही हो जाएगा। तो ये है चाप। अब इसकी लंबाई निकाल ली, कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। मान लेते हैं ए वाई बी चाप की लंबाई, ए बी वाई चाप की लंबाई। अच्छा, पूरी लंबाई कितनी होती है, 2πr होती है। अभी इतने की निकालनी है, है ना, इतने की निकालनी है,
तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला उसी का हम यूज़ कर लेते हैं, बाकी तो ट्रिक्स बहुत सारे मेथड होते हैं कि थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर है ना। तो ये हमारा हो जाता है, ये इसका चाप की लंबाई है ना, ये चाप की लंबाई हो जाती है। अब हमारा बचा त्रिज्यखंड, इसको देख लीजिए, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये हमारा चाप की लंबाई होती है। किसी भी चाप की लंबाई निकालना है अगर, तो हमारा यही हो जाता है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का भी तरीका है, सॉल्व करने का भी तरीका है, इसको हम एक एक नियम से भी कर सकते हैं, उसको अगर आप बताइएगा तो हम उसको वीडियो उस पर अलग से बना देंगे। अभी फार्मूला याद कर लेते हैं। अब हमारे पास बचा हुआ त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आइए देखते हैं, उसके बाद देखेंगे वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में फ़र्क क्या हो सकता है, अंतर क्या हो सकता है, तो उसको समझ लेंगे, नहीं तो फिर बहुत सारे बच्चों को त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में कन्फ्यूजन रहता है, कहते हैं दोनों तो एक ही चीज़ है ना, सर्कल का ही पार्ट तो है। तो अभी देख लेते हैं उसको। ये हो गया हमारा सर्कल, ये हमारा सेंटर हो गया, यहाँ से एक बिंदु ये और यहाँ से एक बिंदु ए बी, तो ये जो लंबाई, ये जो फिगर है, ये जो हमारा सैडेड पोर्शन है इसका, यही होता है वृत्त त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। अच्छा, ये दोनों में छोटा है इसलिए ये लघु हो जाएगा, इसका हम नाम रख देंगे लघु त्रिज्यखंड, और ये बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। आप सोच रहे होंगे अभी बताने के लिए कहते, बताए नहीं, बताते हैं अभी क्या होता है त्रिज्यखंड। इसी में अगर हम ये लाइन मिला लें तो अभी हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, इसको हमने बताया था, इस वाले पोर्शन को बताया था वृत्तखंड, ये वृत्तखंड होता है, ये वृत्तखंड होता है, और पूरा क्या है, त्रिज्यखंड है। ठीक, अगर सर्कल के अंदर का पोर्शन जो त्रिज्याओं से घिरा होगा, दो त्रिज्याओं से घिरा होगा सर्कल के अंदर का, मतलब वृत्त के अंदर का ऐसा फिगर, ऐसा पोर्शन, ऐसा भाग, जो ऐसा खंड जो त्रिज्या से घिरा होगा, त्रिज्या से, दो कम से कम दो त्रिज्याएं चाहिए इसके लिए, तो दो त्रिज्याओं से बना होगा वो कहलाएगा त्रिज्यखंड। और इसमें जो वृत्तखंड होता है, वृत्तखंड के लिए जीवा की ज़रूरत होती है, कॉर्ड की ज़रूरत होती है, और त्रिज्यखंड में हमारे पास रेडियस की ज़रूरत होती है, रेडियस की ज़रूरत होती है ना, रेडियस का मतलब हो जाता है हमारा, हाँ ठीक है, रेडियस की ज़रूरत होती है, मतलब त्रिज्या की ज़रूरत होती है, त्रिज्या, त्रिज्यखंड के लिए त्रिज्या की ज़रूरत, और वृत्तखंड के लिए हमें जीवा की ज़रूरत होती है। तो त्रिज्यखंड ये है, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे कि लघु वृत्तखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अच्छा ये क्षेत्रफल है, उसमें अभी चाप की लंबाई में हमने थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर किया था, और इसमें क्या करने वाले हैं, ये हमारा ये क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आगे अगर हम लगा दें, यह लघु क्षेत्र है तो थीटा बाई 360, थीटा यहाँ पर होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया लघु का, और ये पूरा होता है 360, पूरा होता है 360, तो ये कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा, ये हो गया लघु वृत्त त्रिज्यखंड, तो ये थीटा हो गया। अच्छा, ये ऊपर वाला बड़ा है इसलिए इसको 360 में से थीटा निकाल देते हैं तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का मतलब है 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है, वृत्त हमने सीखा, वृत्त किसे कहते हैं,
वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वृत्तखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के चाप के लंबाई, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड के का क्षेत्रफल देखा, और ये भी देख लिया कि वृत्तखंड और दीर्घ और त्रिज्यखंड में अंतर क्या होता है। वृत्तखंड के लिए हमें क्या कहते हैं जीवा या कॉर्ड की ज़रूरत होती, और त्रिज्यखंड के लिए हमें दो त्रिज्याओं की ज़रूरत हो, कम से कम दो त्रिज्याएँ होंगी, और उससे जो पोर्शन निकल के आएगा हमारा सर्कल में तो वही क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो जो भी हमारी आती हैं वो पसंद आ रही होंगी। जिसने भी नहीं देखे, इससे पहले हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आया था, द्विघात समीकरण का आया था, पूरा सीरीज आई थी, जिसने भी नहीं देखा जाके उसको वीडियो को देखें, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कोशिश ये होती है कि हम इस पर ऑनलाइन आके या यूट्यूब पे आके या वीडियो पे आके फालतू की बातें ना करें, हम सीधे पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे भी जो है नई वीडियो आती है तो वो आप तक पहुँच सके। और हाँ, पढ़ते रहिए, पढ़ने से ही कल्याण होने वाला है, तो आप पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।